आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, देख रहे हैं आप प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम घेरने को है। निकाय चुनाव अब सर पर हावी है। प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपना दावा मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में नगर के इस संग्राम की कवरेज के लिए प्राइम टीवी की टीम राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम तृतीय वार्ड में पहुंची और इस वार्ड के विकास का कार्य का जायजा लिया। आज हम लखनऊ के जानकीपुरम तृतीय वार्ड में हैं, जो कि अभी परसिमन के बाद इस वार्ड को बनाया गया है। अभी तक जानकीपुरम में प्रथम तथा द्वितीय वार्ड थे, अब की बार जानकीपुरम तृतीय वार्ड बनाया गया है, जिसमें से कई शहरी इलाके जो सेक्टर एक से लेकर नौ तक की जानकीपुरम विस्तार योजना थी, उसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जो मकान बनाए गए थे, वहाँ के निवासी करीब 1,00,000 निवासी यहाँ पर हैं और कई समस्याओं से सालों से जूझ रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर अभी तक ये क्षेत्र नगर निगम की सूची में नहीं थे, अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में आते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सरकार की सुविधाएं होती थी वो नहीं पहुँच पाती थी और जो पहुँचती थी वो कहीं ना कहीं बंदर बाट हो जाया करता था। तो जो 60 फीटा का रोड हम आपको दिखाएंगे, हमारे पीछे जो रोड जा रही है, इस रोड पर लगभग 2 किलोमीटर तक रास्ते में गड्ढे ही गड्ढे नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर सीवर का जो काम है वो कहीं ना कहीं एक खोखला साबित हो रहा है सिस्टम का, कि जिस तरीके से उन लोगों ने इस कार्य को किया है तो वो काम कहीं ना कहीं गलत दर्शा रहा है। क्यों? सबसे बड़ा कारण यह है कि इसका रखरखाव, इसकी देखभाल कोई अधिकारी ठीक से करते नहीं। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे उनके क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, बहुत ही सुनियोजित तरीके से ये जो हमारा जानकीपुरम विस्तार का क्षेत्र है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की योजना थी। पिछले 20-22 सालों से हम लोग इस इंतज़ार में थे कि हमारी जो भी इन्होंने वादे किए थे वो इनको पूरा करके करेंगे। जुलाई में इन्होंने हमारी स्कीम को नगर निगम को हैंडओवर कर दिया है। हैंडओवर आधे अधूरे काम सब, आप पूरे विस्तार में स्थिति ये है कि हमारे यहाँ अभी तक कोई भी सामुदायिक केंद्र नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी इस तरह से क्या कहते हैं पोस्ट ऑफिस नहीं है, पार्क हमारे यहाँ डेवलप नहीं है। ये हजारों लाखों की आबादी में तब्दील हो चुका ये इलाका है। अगर एक तरफ लखनऊ के VIP इलाके से अगर हमारे इस जानकीपुरम की तुलना करेंगे, चाहे जानकीपुरम हो या जानकीपुरम विस्तार हो, यहाँ पे ऐसा कोई भी स्थल ऐसा नहीं है जहाँ पे आप परिवार के साथ चंद लम्हे बिता सकें। इसके अलावा यहाँ पे तालाब का तीन तरफ से उसको बाउंड्री हो चुकी है, लगातार उसमें कब्जा हो रहा है, हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कम से कम उसी का सौंदर्यीकरण करा दिया जाए। सड़कें बदहाल हैं यहाँ पे, अतिक्रमण, हाँ विकास अगर किसी चीज़ का हुआ है लगातार यहाँ पे, तो यहाँ पे अतिक्रमण का और अवैध निर्माण का, ये निसंदेह इसमें लगातार इसमें बढ़ोतरी हुई है। और बाकी जो जन विकास की योजनाओं के लिए हम लोग संघर्ष करते रहे, तीन तीन वाइस चांसलर यहाँ पे आके मौके पे उन्होंने देखा हमारी सारी समस्याएं थी, उनको शुरू से हम लोगों ने बताया, उन्होंने कहा बखूबी इसको निरीक्षण किया हम लोग साथ मौके पे, और हम लोग इस आशा में थे कि हमारा कम से कम क्षेत्र अब डेवलप हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, इसके बाद एक और आशा बंधी कि जब हमारे बीच में हमारी कमिश्नर महोदया आई और उन्होंने हम लोगों के साथ देखा और समझा, लखनऊ विकास प्राधिकरण के VC साहब भी थे, ये हुआ कि पार्क हमारे हो जाएंगे, सड़कें हो जाएंगी, इंटरनल सड़कें हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें उन्होंने उठा के नगर निगम में स्थानांतरित कर दिया। नगर निगम में अब जो सीमाएं जुड़ी हुई हैं, आप ये कल्पना कर लीजिए कि 22 साल में जब आप अपना योजित उसका विकास नहीं कर पाए, तो जो परिसीमन में आप नगर निगम को जोड़े हैं, तो क्या आने वाले समय में निकाय चुनाव के बाद कोई भी पार्षद होगा तो उसके लिए क्या ये संभव है? ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र आपके एरिया में आ रहे हैं, तो वो कैसे विकास होगा? पहले वो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करेंगे जो भी पार्षद चुने जाएंगे, या पहले आपके शहरी इलाकों का विकास करेंगे? ये तो देखिए उसके विवेक के ऊपर है, और जहाँ तक ये होना भी चाहिए कि जहाँ पे ज़रूरतें हैं, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, कोई भी देखिए अगर आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सीवर, सड़क और पानी, इसके अलावा स्ट्रीट लाइट, ये चार मुद्दे कोई भी पार्षद हो उसको जनता की प्राथमिकता के आधार पर लेकर चलना पड़ेगा, और ये चारों चीज़ों का यहाँ पे अभाव है, और इन सब के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं।
और ये स्थिति है कि एलडीए ने स्थान भी बनाया सब्जी मंडी का, वो बरसों से बना पड़ा हुआ है। ये हमारा पैसा है, जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, आपने उसको लगा दिया और उसने उनको स्थापित नहीं किया और वो फिर से टूट रहे हैं, तो इसका दोषी कौन है? तो लगातार जानकीपुरम तृतीय जो नया वार्ड बना है वहाँ के मतदाता परेशान है कुछ ना कुछ समस्याओं को लेकर के। हमारे साथ कुछ और लोग यहाँ के बात करने वाले हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी मूलभूत समस्याएं क्या हैं, जबकि अभी आपका जो ये क्षेत्र था वो अब पहली बार नगर निगम सीमा क्षेत्र में शामिल हुआ है, इसके पहले जो खामियाँ थीं अब क्या खामियाँ हैं, मेन खामियाँ आप मुझे बताइए। हमारे चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि आपकी तरफ जो भी समस्याएँ हैं वो बड़ी समस्याएँ बताइए। ऐसा है कि ये हम जानकीपुरम विस्तार संयुक्त कल्याण महासमिति के सचिव राकेश श्रीवास्तव, और ये जानकीपुरम विस्तार सेक्टर 1 से 11 तक जो है ये 98-99 में एलडीए ने इसकी प्लानिंग करी और इसको बसाना शुरू किया था, और इस क्षेत्र को उन्हों को बसाने में या डेवलप करने में जो मूलभूत सुविधाएं हुआ करती हैं वो जनरली हर कॉलोनी को जब आप डेवलप करेंगे तो सीवर लाइन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लाइन और वाटर सप्लाई लाइन, इन चीज़ों का जो है आप ठीक से जो है प्लानिंग करेंगे, फिर रोड कनेक्टिविटी और डिवाइडर बनाना, ये सारी चीज़ें जो हैं आप करेंगे। लेकिन रहा ये कि 20-22 सालों में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इतने डिफेक्टिव तरीके से इस कॉलोनी का विकास किया और इतनी कमियां इसमें जो है छोड़ दी हैं कि आज हाईकोर्ट भी ने इनसे एस्टीमेट मांगा था नगर निगम से, तो इन्होंने 109 करोड़ का एस्टीमेट सबमिट किया था नगर निगम में। लेकिन आज स्थिति ये है कि नगर लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी पूरी जिम्मेदारियों को नगर निगम के ऊपर ढकेल कर और इसको उसी अवस्था में छोड़ के जो है जाना चाहता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से हमें मुक्ति मिल जाए और हम जो है आगे इसके जो है ये अपना नगर निगम जानेगा, जबकि नगर निगम में एक टेंडर लिमिट की प्रोसेस है, एक लखनऊ विकास प्राधिकरण का है, PWD का है, ये सारी चीज़ें थीं। यहाँ पे जो मुख्य सड़कों से कनेक्टिविटी, सीवर लाइन की कनेक्टिविटी सारी डिफेक्टिव है। कनेक्टिविटी का ये हाल है कि आप इस 60 फीटा रोड पर खड़े हैं थाने के पास, यहाँ से ले कर नहर तक आप जो है चले जाएं, आपकी गाड़ी का सॉकर टूट जाएगा, बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि इतनी अभी तो 30 नवंबर तक ये जो कहा गया था कि गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा और लगातार PWD मिनिस्टर ये कह रहे थे कि जितनी भी सड़कें हैं 15 दिन के लिए उसको और इजाफा कर दिया गया था, जहां गड्ढे उनको भर दिया जाएगा, पैच कर दिया जाएगा, तो क्या हुआ आपके क्षेत्र में? नहीं, आप उसको अभी तो वर्तमान में आप अपनी जो है टीम भेज के उसकी जाँच करवा लें, अभी भी बुरा हाल है, कोई भी जो है अभी वहाँ पर एक भी पैसे का काम अगर हुआ हो, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है सड़क, ये यहाँ से जाने वाले नहर तक अगर वो ठीक ठाक चले जाएं तो आप जो है उस चीज़ को देख लें। और बाकी जहाँ तक है जानकीपुरम विस्तार का, इसका जो नगर निगम में इन्होंने दिया और उसके बाद परिसीमन किया, इसमें 8 गांव तो इन्होंने शामिल कर दिए हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से अभी भी अनडेवलप्ड हैं, वहाँ पर ना तो सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना नाली है, ना खड़ंजा है, कोई मतलब नहीं है। और एक ये आपने LDA ने जो विकास किया 20-22 सालों में उसको भी उसी में शामिल कर दिया, अब उस विकास और इस विकास में इतना ज़्यादा अनबैलेंस्ड है यहाँ का डेवलपमेंट होना, कर पाना किसी भी शासन सत्ता के लिए या किसी भी पार्षद के लिए जो है बहुत ही कठिन होगा आगे आने वाले समय में। ये बड़ा मुद्दा है क्योंकि अभी जब ये पहली बार शहरी क्षेत्र नगर निगम में शामिल हुआ है तो कहीं ना कहीं अब खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें 8 गांव भी शामिल किए गए हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में हालांकि जो वार्ड बनाया गया परसीमन के हिसाब से किया गया है। कुछ और लोग बात करने के लिए मौजूद हैं, वह स्थानीय निवासी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो ये आपका एक नया क्षेत्र शामिल किया है नगर निगम में, तो इसमें जो और नए गाँव भी शामिल हो रहे हैं, तो विकास को कैसे आप देखेंगे, कैसे आपके यहाँ का आपके क्षेत्र में विकास होंगे सेक्टर 1 से 11 में और कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में? देखिए, जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र की बात है, अभी तो हमारे शहरी क्षेत्र का ही विकास नहीं हुआ है। अभी हमारा जहाँ तक अभी आप गड्ढे की बात कर रहे थे, हमारे ये 60 फीटा रोड को आप जो है शुक्ला चौराहे तक ही केवल चले जाइए, यहाँ सड़क ही नहीं है, केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं। आज तक जो है गड्ढे एक भी गड्ढा नहीं भरा गया, पूरी सड़क गड्ढा में हो रखी है। और दूसरा जो है हमारे पूरे जानकीपुरम विस्तार के फुटपाथ देख लीजिए आप, फुटपाथों पर जो है झोपड़ अनाधिकृत झोपड़ पट्टियां इतनी हो गई हैं कि उसको हमारी महासमिति ने भी कई बार पत्र लिख दिए हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई होती भी है, इधर झोपड़ पट्टी हटाई जाती हैं, अगले दिन फिर रख ली जाती हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है।
तो अभी मूलभूत जो समस्याएं हैं आपकी वो बताइए, आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं बड़ी? अब देखिए बड़ी समस्याएं तो ये हैं, अब चार हमारे यहाँ ओवरहेड वाटर सप्लाई के टैंक लगे हुए हैं, वो आज भी उनका लीकेज, आज भी वो लीकेज होते हैं, उनसे जलापूर्ति अभी आरंभ नहीं हुई। हमारे टैक्स का पैसा उन पर दुनिया का लगा हुआ है, लाखों रुपया उसमें जो है खर्च हुआ। मूलभूत मतलब जो है वाटर सप्लाई उनसे चालू होनी चाहिए, जो आज तक नहीं हुई। तालाब का सौंदर्यीकरण के लिए अभी बीसी साहब ने बताया था कि उस पर जो है पैसे का आवंटन हुआ है, ठीक है ना, उसका भी कोई अभी पता नहीं है कि जो है वो उसका सौंदर्यीकरण होगा या नहीं होगा। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपका क्षेत्र कौन सा है, क्या समस्या आ रही है? जानकीपुरम विस्तार का ही मैं निवासी हूँ, और जो सबसे बड़ी समस्या है कि इंक्रोचमेंट, जगह जगह सड़कों पे, फुटपाथ पे सब्जी वाले लगाए हुए हैं, लोगों का चलना मुश्किल है, शाम को सब शराब दारू पी करके वहाँ तमाशा करते हैं। दूसरा, इतना बड़ा सेक्टर 1 से लेकर 11 तक है जहाँ ना कि कोई एक अच्छा हॉस्पिटल है, रात में अगर कोई इमरजेंसी हो तो सीधे KGMU के अलावा हमारे पास कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जहाँ लोगों का उपचार हो सके, प्राथमिक उपचार। तो ये सब कमियाँ हैं, सड़कों की हालत बदहाल है, पानी की व्यवस्था तो जो है सो है, ये टंकियों कनेक्ट नहीं है, अभी लाइट चली जाए 1 घंटे के लिए तो 1 घंटे पानी बंद हो जाएगा, भाई मोटर चलेगी नहीं तो पानी कैसे आएगा आप बताइए, क्योंकि स्टोर पानी होता नहीं है, टंकी कनेक्ट नहीं है उन सब चीज़ों से, तो कैसे होगा यहाँ पे? और उसको ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ दिया गया, अभी यही डेवलपमेंट नहीं हुआ तो आगे क्या होगा? तो आने वाले जो चुनाव है, चुनाव के बाद सभासद के लिए भी ये परेशानी बने रहेगी, हम सब के लिए तो परेशानी बरकरार आ रही है, जस की तस बनी हुई है। तो इसके लिए आप लोगों ने किसी अधिकारी के पास लगातार हमारे अध्यक्ष अरविंद जी, महासचिव विनय पांडे जी, जो संयुक्त कल्याण महासमिति है जानकीपुरम, हर समय मीटिंग, कमिश्नर का दौरा और LDA के VC का दौरा और प्रेस मीडिया, आप लोगों का भी सहयोग लगातार बराबर मिलता रहा है। ये लोग लगातार हर स्टेप पर हर जगह अपनी बात को कह चुके हैं, और सुनवाई होती है नहीं भी होती है दोनों बातें कह सकते हैं, लेकिन एक उचित उसका समाधान नहीं हो पाया अभी तक। ये जानकीपुरम तृतीय के निवासी थे, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर अभी भी बहुत बड़ी खामियां हैं, बहुत कमियां हैं, अब उन कमियों को कैसे दूर किया जाएगा? लगातार ये सक्षम अधिकारियों के पास जा रहे हैं और अपनी कमियों के बारे में कह रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं जुड़ना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कुछ अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, क्या कहना चाहते हैं? मैं राजू कुमार, ये जानकीपुरम विस्तार के निवासी हूँ। यहाँ पर एक तो जानवरों की बहुत प्रॉब्लम है, एक घर में करीब 25 से 30 जानवर हैं, कुत्ते हैं जो काटते रहते हैं अक्सर बच्चों को, और पार्क की हालत बहुत ख़राब है, पार्क में बच्चे नहीं घूम पाते हैं, और ये सबसे बड़ी समस्या है। बाकी तो समस्या इन्होंने बताई दी, मेन ये भी बहुत बड़ी समस्या है। क्या लगता है अब की बार चुनाव में, जब की बार जानकीपुरम तृतीय पहली बार बना है, तो जो चुनाव हो रहा है किस तरीके का चुनाव होने वाला है और किस तरीके का विकास होने वाला है आपके क्षेत्र में? देखिए, विकास की अगर बात करी जाए तो हमारी महासमिति ने, मैं भी उसका पदाधिकारी हूँ, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हालांकि बता चुके हैं बहुत कुछ, तो मैं ये कहना चाहूँगा सेक्टर 1 से लेकर और जो है 12 तक वोटरी लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा था, काफ़ी प्रयास किया गया, उसके बाद इधर उधर जाना, PCF ऑफिस और तमाम जगह पर जिलाधिकारी और जो है तमाम जो है बड़े लोगों को जो है जो भेज के जो है लेटर के द्वारा, माध्यम के द्वारा, और अपनी बात को मीडिया के द्वारा भी हम लोग रखते आए हैं, लेकिन उसमें भी अभी भी बहुत ही खामियां हैं, त्रुटियां हैं। नए नाम से एक एक घर में 200-200 लोग जो जुड़े हुए हैं, तो ऐसे करके चुनाव कराना मुझे तो लगता है कि सही नहीं है। और बाकी जो भी, और रही बात यहाँ की गड्ढों की, विकास की, तो आप तो देख रहे हैं, आप सामने हैं, आपके पार्क है सामने, क्या विकास हो रहा है? ये सब केवल किताबी और लिखी हुई बातें हैं जो पन्नों पे चल रही हैं, वास्तविकता और जो धरातल पे कुछ और है। इसी वजह से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी महासमित और हमारे यहाँ से स्थानीय नागरिक जो जागरूक हैं, वो जो कर पा रहे हैं विकास वही है, बाकी ये नगर निगम और LDA जो कर रहा है वो आपके सामने दिख रहा है, आप सामने देख सकते हैं अतिक्रमण, गद्दा लगा हुआ है, और भी अतिक्रमण रोड पर हैं, आप अटल चौराहे पे चले जाइए, वहाँ की ध्वस्त व्यवस्था देख सकते हैं, पानी की टंकियाँ इतना लोड ही नहीं रोक सकती हैं पानी की टंकी को, उनको पूरा भरा जाए, लाइट जाने के बाद में पानी की सप्लाई क्या होगी? कितनी पानी, कितनी आबादी में कितनी पानी की टंकी बनाई गई? पानी की टंकी सेक्टर 5 यहाँ पे पूर्ति, पानी की टंकियाँ तो बनी हुई हैं, लेकिन जब वो सही ढंग से बनी नहीं है मानक के हिसाब से, और अब क्षेत्र और बड़ा हो गया, और आवश्यकता होनी चाहिए पानी की टंकी, सेक्टर 5 की देख लीजिए, 3 की देख लीजिए, और भी जो है टंकियाँ, आपका ट्यूबवेल की कमियाँ हैं, ट्यूबवेल हैं पूरे मात्रा में, कोई व्यवस्था नहीं है पूरी तरह से, और पानी की ये व्यवस्था है कि अगर बिजली चली जाती 2 से 3 घंटे या 4 घंटे तो पानी के लिए लोग मोहताज हो जाते हैं, और यहाँ की व्यवस्थाएँ आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ के जन निवासी हम जैसे लोग जो है बहुत परेशान हैं यहाँ पर लेके, और तभी आपके माध्यम से हम लोग अपनी बात को कह रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताइए,
मैंने जी, इस समय यहाँ हमारे जानकीपुरम विस्तार में और जानकीपुरम में आने में साठपीटा रूट में दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता जिस पे हम लोग खड़े हैं, ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और बीच बीच में जो मैनहोल और सीवर की प्रॉब्लम है ये आप देख रहे हैं। दूसरा रास्ता हमारा नेशनल हाईवे सीतापुर रोड से है जो बिटोली क्रॉसिंग से कनेक्ट होता है। इस समय वहाँ पर काम चल रहा है, आने वाले दिनों में ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है कि ओवरब्रिज बन रहा है, उसको हम अप्रिसिएट करते हैं। लेकिन इस समय जो स्थिति है ये समझिए कि यहाँ के निवासियों को दमे का और सांस का मरीज बना दे रहा है। आप इस समय देखिए कितना धूल और धक्कड़ चारों तरफ है, इस पर कोई इंतजाम नहीं है। मैं आपके माध्यम से शासन और प्रशासन से ये आग्रह करना चाहूँगा, कम से कम इस पर ध्यान दें और ये जो चीज़ हो रही है इस पर अपना, क्योंकि और कोई निर्माण करता है उसमें सारे मानक रहते हैं लेकिन सरकारी निर्माण में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसको देखना चाहिए। देखिए मेन समस्या यहाँ पे मूल रूप से हमारे, जैसे हम लोग व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग यहाँ पे बहुत ही प्रभावित है। हमारे लोगों का यहाँ पे रोड की वजह से व्यापार प्रभावित हुआ है। यहाँ तक कि सुबह से लेकर शाम तक व्यापार का ये स्थिति है कि बोहनी तक लोगों की नहीं होती है। ये क्षेत्र कौन सा है और क्या? ये क्षेत्र जो है सैदपुर है, या और इस रोड पे कम से कम दो विधायक और दो केंद्रीय मंत्री हैं और इनका कोई भी, ये लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, कोई भी ध्यान नहीं। जब जाए आश्वासनों से नहीं कुछ होना है। आपका ये कौन सा वार्ड लगता है और क्या समस्याएं अभी हैं? वार्ड तृतीय बना है, अभी जल्दी इसका वो हुआ है, तृतीय बन करके आया है ये वार्ड। और यहाँ पर ये जो अटल चौराहे के पास से जो रोड है इसमें समस्याएं पिछले दो तीन साल से। रोड इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इसमें ना जाने कितनी गाड़ियां फंस चुकी हैं बरसात के पीरियड में। आए दिन लोग गिर गिर के चोटिल हुआ करते हैं, एक्सीडेंट्स हुआ करते हैं। और धूल तो इतनी है कि अगर कुछ देर के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दें घर या दुकान का, तो आप समझिए हम लोग साफ़ करते करते इसको परेशान करते हैं। इसकी शिकायत आपने यहाँ के स्थानीय विधायक से, स्थानीय विधायक को भी कर रखा है, नगर निगम को भी बोला हुआ है, LDA में बोल रखा है, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके का। तो अब क्या लगता है, अब तीसरी बार जो ये तृतीय जानकीपुरम तृतीय वार्ड बना है, अब जो सभासद प्रत्याशी यहाँ पे वोट मांगने आएंगे तो उनसे आपका क्या सरोकार होगा, क्या चाहेंगे आप उनसे? भाई साहब अगर आएंगे तो उनके सामने भी यही समस्या गिनाई जाएंगी। अगर समस्या का निवारण ये कर सकते हैं तो वेलकम है, अदरवाइज फिर वोटिंग के लिए हमें भी सोचना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जानकीपुरम के निवासी कुछ खामियाजा भुगत रहे हैं। जो डिपार्टमेंट है लखनऊ विकास प्राधिकरण, वो कहीं ना कहीं अपने कान में रुई डाल करके बैठा हुआ है। नगर निगम भी अपने कानों में रुई डाल करके बैठा हुआ है, जिसका खामियाजा लगातार क्षेत्रवासी भुगत रहे हैं। हालांकि अभी सेक्टर 1 से 11 तक जानकीपुरम विस्तार योजना जो है वो नगर निगम सीमा क्षेत्र में आ गया है। पहली बार जानकीपुरम तृतीय वार्ड बना है, यहाँ के लोग पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसके बाद यहाँ पर समस्याओं का अंबार भी लगा हुआ है। 8 गाँव भी इसमें नए शामिल किए गए हैं। अब ये देखना होगा कि आगे पार्षद का चुनाव जीतने के बाद जो प्रतिनिधि होता है वो क्षेत्र का विकास करता है, या यूँ ही जैसे ये धरातल बनी हुई थी, जैसे गड्ढा युक्त रोडें थी, या वैसे बनी रहती हैं, रोड या स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था सुधरती है या नहीं सुधरती है, तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। आज के नगर संग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।